भवि मंगलम। नवकार महामंत्र की साधना और इस साधना के इस क्रम के अंदर हम एक के बाद नवकार बड़ी स्वस्थता के साथ, स्थिरता के साथ, एकाग्रता पूर्वक गिन सके। माध्यम, आधार, आलंबन, निमित्त किसी को भी बनाइए, लेकिन आप बरोबर जो है, जैसे ही नवकार महामंत्र एक से शुरू किया, आपके 108 होने चाहिए। अब एक से 108 तक की ये व्यवस्था हम अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए प्रकार बदल रहे हैं। इतने अलग अलग प्रकार, इतने अलग अलग तरीके आपको मैं सिखा रहा हूं, तो मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारी एकाग्रता बढ़ जाए, स्थिरता बढ़ जाए, बस ये दो बात हमारे स्थिर हो जाए। अब आपको संख्या की चिंता न रहे, माला लेकर के गिनने की आवश्यकता न रहे। हम माला क्यों लेते हैं? संख्या गिनती के लिए। 108 तक मणके हमने धागे में पिरो दिए और माला बन गई। अब हम गिनते रहेंगे तो हमको माला की चिंता नहीं है, संख्या की चिंता ही नहीं है, 108 ही होने, क्योंकि दोरी के धागे के अंदर गांठ बांध के हमने मणके रखे हैं, तो 108 होने ही होने, हमको वो चिंता नहीं है। इसलिए जब मन उसमें चिंता में नहीं लगता है तो बाहर भागता है। मन फ्री हो गया, अब बिल्कुल मन फ्री हो गया तो बाहर भाग करके कुछ भी करेगा, किसी भी प्रकार से घूमता रहेगा, कैसे भी विचार करता रहेगा, मन का तो वैसे भी यही कार्य है। अब इसको हमें रोकना है। अगर मन बाहर भागे, मन बाहर जाए, तो दूसरे विचार आएंगे, नया आश्रव शुरू होगा, नया आश्रव शुरू होगा तो नया बंध भी शुरू होगा, फिर नए कर्म का बंध होगा, फिर क्या करेंगे आप? तो फिर आप परेशान हो जाओगे, माला भी गिन रहे, जाप भी गिन रहे, और विचार तो आ ही रहे, विचार तो आ रहे हैं। चलो भाई, एक मन मना लो कि हाँ, मेरा नियम है, मैंने माला गिन ली, हो गया सब। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम इसमें से ही रास्ता निकाल रहे हैं। अब आजकल तो ये कंप्लेन तो सबकी है, हमको भी माला गिनते विचार आ रहे हैं, हमको भी माला गिनते विचार आ रहे हैं, हमको भी नवकार गिनते विचार आ रहे हैं। बच्चा भी वही बोलता है, बड़े भी वही बोलते हैं, छोटे भी वही बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं। अब सब यही बोलेंगे तो क्या करेंगे? फिर आखिर नवकार की साधना करनी तो है। जब नवकार के अंदर साध्य का सातवां पद लक्ष्य का बताया है, सब पाप प्रणाशनम्, सब पाप कर्म का नाश हो। अब ये नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम? पाप कर्मों का नाश होना तो चाहिए, करना तो चाहिए, जो लक्ष्य उसके अंदर लिखा है उसी हिसाब से चलना है। आज दिन तक अनंत भूतकाल में अनंत आत्माएं मोक्ष में गई है तो नवकार से ही गई है ना, नवकार की साधना करके गए। बिना नवकार माने और बिना नवकार गिने और बिना नवकार की साधना किए अनंत में एक भी मोक्ष में नहीं गया, तो ये तो निश्चित हो गया है कि नवकार की साधना तो हमें करनी ही करनी है। नवकार जैसा तो दूसरा कोई प्राण मंत्र नहीं है, और उसमें भी आप देखिए सुख दुख के निमित्त वाले सैकड़ों मंत्र हैं, सुख कारक दुख कारक ऐसे तो लाखों मंत्र हैं। सब पाप प्रणाशनों का अर्थ साधने वाला दूसरा मंत्र कौन सा है? सब पाप कर्मों का नाश करे, सब पाप कर्मों का नाश होगा तभी आत्मा मोक्ष होगी, आत्मा मोक्ष में जाएगी, मुक्त होगी। अब हम यहां पर एक प्रकार बदल रहे हैं। अब इस प्रकार को बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं साहब? आप अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं, मैं आपको हमेशा ही प्रयत्न करके हर गुरुवार को एक नया प्रयोग सिखा रहा हूं, फिर हर गुरुवार को एक नया नया प्रयोग बता रहा हूं। अब मुझे तो मालूम नहीं है कि आप पिछले इतने सब प्रयोग कर चुके हैं कि नहीं। अगर आप इन सब प्रयोगों से नवकार गिन चुके हो, साधना कर चुके हो, तो बहुत अच्छी बात है, ये एक और नया प्रयोग दे रहा हूं। मैं तो सिर्फ निमित्त बन रहा हूं, आपको नया प्रयोग सिखा रहा हूं, नया तरीका बता रहा हूं। आप करेंगे, एकाग्रता आपकी, स्थिरता आपकी, भाव आपके, निजरा आपके, कर्म क्षय का लाभ आपको है। मैं तो सिर्फ निमित्त बन रहा हूं। आज मैं जिस प्रयोग की बात कर रहा हूं वो है नव तत्व का प्रकार। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाया है, ड्रॉ किया है नव तत्व।
ये तत्व ही हमारे मुख्य निष्ठा के श्रद्धा के केंद्र है। अगर आपकी नौ तत्व की श्रद्धा नहीं बनी है तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो फिर हम मिथ्यात्व में ही पड़े रहेंगे। मिथ्यात्व बंधा रहेगा तो फिर हम आगे भविष्य में कभी भी सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो नव तत्व के लिए, ये श्रद्धा के लिए नव तत्व होने अनिवार्य है। नव तत्वों पर हमारी निष्ठा, नव तत्वों पर हमारी श्रद्धा होनी अनिवार्य है। जितना इन नव तत्वों का चिंतन करके, मनन करके, उसका सम्यक ज्ञान बढ़ा करके हम अपनी आत्मा को जितना ये ज्ञान स्थिर करने के और फिर उस प्रकार से मानने की कोशिश करेंगे, तभी जा करके आपका ये कार्य होने वाला। तो ये निरंतरता आनी चाहिए। तो क्या किया मैंने, नौ तत्वों के बेस पर इसका बेस बनाया, इसका ये कमल बना, कमल का चित्र बनाया, नौ तत्व लिखे, क्रम नंबर लिख दिया। अब क्रम नंबर से आप देखेंगे नौ तत्वों की एक निष्ठा। अब आप नौकार गिनते हुए मन में चिंतन आपका नव तत्व का चले। आपको तो नौकार तो मेमोरी में सेट है और उस तरह से नौकार तो आप मन में जपते ही जाएंगे, लेकिन आपका चिंतन आपके भाव परिणाम में ये नव तत्व रहने चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारे अंदर मिथ्यात्व की अनंतानुबंधी कसाय के साथ बंधी हुई मोहनीय कर्म की ये प्रकृति धीरे धीरे घटे। अब इसके अंदर आत्मा को यथा प्रवृत्ति करना, पूर्व करना, अनंतर करना, ये सारी क्रिया जो उसको करनी है वो कर सके। अब ये करने से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होगा, ग्रंथि भेद हो जाएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। ये प्रक्रिया हमें करनी है यहाँ पर। तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि सर्वज्ञ केवली तीर्थंकर भगवान ने जितना सारा उपदेश दिया उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है, एक सारांश जिसको हम कहते हैं, वो सिर्फ नौ तत्व है। हर व्यक्ति को नौ तत्व का अभ्यास करना ही चाहिए और नौ तत्वों के बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। आप जैन हैं तो जैन का अर्थ ही ये है कि हमको जिनेश्वर परमात्मा के द्वारा प्ररूपित तत्वों का बोध, ज्ञान स्पष्ट होना ही चाहिए। तो इसके लिए हम ये कर रहे हैं। सबसे पहले केंद्र में कौन है, जीव तत्व है। देखिए कमल जिस तरह से खिलता है उसकी कर्णिका का भाग केंद्र में है, तो ये जीव तत्व है यहाँ पर केंद्र में। लेकिन ये भी समझिए कि जीव तत्व के साथ अजीव तत्व भी है दूसरा। जीव का सर्वथा विरोधी तत्व है, जीव के गुणधर्मों से सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म अजीव के। लेकिन अजीव में आकाश भी है, धर्मास्तिकाय भी, अधर्मास्तिकाय भी, पुद्गल भी है। और जीव तो संसार में बिना पुद्गल के संग के रहता ही नहीं है, पुद्गल का ही तो शरीर बनता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जीव है, ये अजीव है। अब इसके बाद तीसरा नंबर आया पुण्य तत्व का। अच्छा है, शुभ आश्रव है, आपका पुण्य बंद हो, पुण्य कालांतर में आपको सुख साधन सामग्री देने वाला। चौथे नंबर पर आया टोटल पुण्य से विपरीत पाप तत्व है, ये भी एक तत्व में गिना गया। आपको मैं बता रहा हूँ कि जीव और अजीव ये दो तो द्रव्य है। अब इन दो द्रव्यों के संयोग वियोग से होने वाली सारी क्रियाएं जो है उनको तत्व के रूप में गिना है, ये पाप। अब जीव आत्मा जब हिंसा झूठ चोरी आदि के 18 ही पाप करने लगे तब पाप कर्म बनता है। अब ये पाप कर्म भी आत्मा के साथ बंद होकर के रहेगा तो कालांतर में उदय में आकर दुख देगा ही देगा। ये पुण्य तत्व शुभ है, ये भी आत्मा के साथ बंद हो करके रहेगा, ये कालांतर में उदय में आएगा तब सुख समृद्धि देगा। अब देखिए संसार में सुख समृद्धि किसको नहीं चाहिए, साहब अब सबको चाहिए। यहाँ पर अब आए आप पांचवे नंबर पर, देखिए आश्रव तत्व। बाहर से जीवात्मा में इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का आना, जिस रास्ते से आ रहे हैं वो इंद्रियों के रास्ते से आ रहे हैं, कसाय के रास्ते से आ रहे हैं, जिस रास्ते से आ रहे हैं तो आत्मा में आ रहे हैं, ये बाहर से जीवात्मा में आ रहे हैं, ये जो है हमारे कर्म का कारण बन रहे। एक बार आश्रव हो गया आत्मा के साथ बंद करके कर्म बन जाएगा। अब भगवान ने छठे तत्व में संवर बताया, मतलब क्या है, आप आते हुए आश्रव को रोक सको, आपको रोकना है, नहीं तो फिर ये बनता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो रोकना है।
अब ये है संवर तत्व, जिसमें ये जो पाप प्रवृत्ति आदि हो रही थी उसको रोको, हिंसा को रोको, अहिंसा धर्म आया, असत्य झूठ को रोको, सत्य धर्म आया, चोरी को रोको, यहाँ पर आपके पास अस्तेय धर्म आया। ये संवर जो है इतने प्रकार से, ये भी तत्व है, ये उपयोगी तत्व है। आप सामायिक ले रहे हो, संवर हो रहा है। क्यों ले रहे हो सामायिक? सावज्जम जोगम पचखामी, मैं अपनी तरफ से बाह्य हिंसा आदि की पाप प्रवृत्ति का त्याग करता हूं। ये आपने प्रतिज्ञा की। आप 48 मिनट दो घड़ी के लिए भी सामायिक में बैठे, अब इधर आए आप सातवें तत्व में, अब निर्जरा। ये आपने क्या किया? आश्रव को संवर में रोका, लेकिन जो पुराने बंधे हुए उन कर्मों के निर्जरा करनी है। निद्रा का मतलब ये जो एटम ग्रुप हमारी आत्मा के साथ बंद होकर के एक रस बन गया, अब धीरे धीरे उन परमाणुओं को बिखेरना है। हम धीरे धीरे इन परमाणुओं को बिखेरते बिखेरते आत्मा से अलग 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 करते जाएं, तो ये कल दूर हो जाएंगे। ये करना है हमको। अब इसके बाद फिर सावधानी रखना है, नया बंद हो सकता है। ये आठवां बंद तत्व, आत्मा के साथ फिर वापिस कर्म बंद जाएंगे, फिर बंद जाएंगे। हम पाली तरह की यात्रा करके आए, कुछ निद्रा की, अब फिर संसार के व्यवहार में खाने पीने फिर नया बंद होगा। हमने एक सामायिक कर ली, चलो भाई संवर हुआ, अब फिर वापिस सामायिक पालने के बाद आप जैसे खाने पीने आदि की प्रवृत्ति में गए, फिर नया कर्म बंद शुरू हो जाएगा। इससे बचना है हमको, ये चक्कर चलता ही रहता है, अब इससे बचना है। इधर आइए, नौवां तत्व आया मोक्ष तत्व। अब इन सब से निकल करके हमारी जीव आत्मा जो इसमें गई, फिर वो अपनी तरह से मुक्त में गई। जब जीव का पुद्गल से सर्वथा संबंध छूट जाए, अब आत्मा मुक्त हो गई, अब वहां अकेली है। सिद्ध शिला के ऊपर आत्मा बिल्कुल कर्म रहित, शरीर रहित, जन्म मरण रहित। अब वहां ना तो कोई जन्म है, ना कोई मरण है, अब ना कोई शरीर है, ना कोई खाना पीना है। तो आत्मा अपने आप में शुद्ध स्वरूप में स्थिर हो। ये बात आ गई समझ में? ये नौ तत्व है। हमको नौ तत्वों की निष्ठा जगानी है, ये श्रद्धा हमको बढ़ानी है। इस जन्म में किसी भी रूप में हमको ये श्रद्धा जगानी है, ये हमारे अंदर से सब निकलने चाहिए सब। तो ये हम प्रयत्न करें। अब आइए नव कारगिरना है। ये क्या हो गए? नौ तत्व की व्यवस्था हो गई, आधार हो गया। अब आधार पर आपको चल करके यहाँ पर जो है जिस तरह से भी नवकार गिनने हैं। अब अरिहंत परमात्मा के मुख्य गुण 12 गुण है। अब 12 गुणों के अंदर आपने एक नवकार, दूसरा नवकार, तीसरा नवकार, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये 12। अरिहंत परमात्मा के 12 गुण है। आप 12 नवकार गिन लिया बरोबर शांति से। अब इसमें पहले आपको बरोबर ध्यान देना है। आप अच्छी तरह से पहले अपनी पूर्व तैयारी कर लो, किस दिशा में, कितने बजे, कहाँ, कैसे जाप करने, साधना करने बैठना है, और फिर आप ये प्रिंट निकाल करके आप सामने रखोगे नव तत्व की, और प्रिंट का एक चित्र A3 साइज में बड़ा बना करके रखो। दृष्टि उस पर स्थिर रहनी चाहिए। अब आप अपनी तरह से जो है सामायिक ले लो बैठ करके। अब सामायिक लेकर के बैठ करके आप अपने जो भी जिस आसन में बैठना है बैठ जाओ। आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है, ध्यान मुद्रा में बैठिए। कावसक मुद्रा में बैठना है, कावसक मुद्रा में बैठिए। अब एक बार आपको बैठना है तो आसन को स्थिर करना है। अब आपने आसन स्थिर कर दिया, फिर अलन चलन नहीं करेंगे। क्या हुआ इससे फायदा? काय योग का व्यापार व्यवहार सब बंद हो गया। अब काया से आप स्थिर बन गए हैं, अब अलन चलन नहीं करेंगे, स्थिरता आपकी बनी रहेगी। तो काय का आश्रव रुक गया। नंबर दो, अब बोलना तो है नहीं, उच्चार तो करना नहीं है, तो जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, बंद कर दीजिए आप। और बिल्कुल बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए, आप बिल्कुल अपनी तरह से शांति से आपको मन में नवकार गिनना है। तो दोनों योग बंद हो गए। काय योग का भी उपयोग नहीं है, कवचन योग भी आपने बंद कर दिया, दोनों के आश्रव भी बंद हो गए। तीसरा जो आपका चल रहा था मनोयोग, अब मन को इसमें आपने जोड़ दिया। अब मन को इसमें जोड़ दिया तो बरोबर मन आपका शांति से नवकार गिनता जाएगा। अब आप क्या करो, ये हीरे मोती लगा दो, बड़े चमकते हुए हीरे मोती।
आप घर में कोई भी ड्राइंग करने वाला अच्छा हो, एक बड़ी ड्राइंग शीट के ऊपर नौ तत्व लिख करके 8 पंखड़ियों के कमल बनाकर उसके ऊपर चमकती हुई हीरे मोती लगा दो। अब इसके ऊपर आपको एक एक नौकार गिनना है। अब जी मिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, बरोबर अरिहंत परमात्मा के 12 नौकार आपने इसमें गिन लिए। अब यहां से आपको 12 नौकार हो जाने पर यहां से प्रवेश करके ये दूसरे तत्व में आना है। ये दूसरा है आपका अजीव तत्व। अब दूसरे अजीव तत्व में आप आए, यहां पर भी वही तरह, अब इसमें भी 12 ही नौकार आपके गिनने। अब 12 नौकार आपको इसमें भी गिनने हैं साहब, क्रम वही रहेगा, अरिहंत परमात्मा के गुण के हिसाब से 12 नौकर आपने इसमें लगा दिए। अब यहां से आप आए, आप इसी में तीसरे में आए, अब ये देखिए इसमें 12, ये 12 नौकर आपको इसमें भी गिनने हैं अच्छी तरह से। अब पुण्य तत्व के चिंतन करिए। मैं अपनी तरह से पुण्य उपार्जन करता हूँ, मेरा प्रतिदिन पुण्य उपार्जन हो रहा है कि नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इधर से ये 12 नौकार गिन करके आए। अब चौथे क्रम में इसके अंदर आपको पाप तत्व में, आपने बरोबर 12 नौकार यहाँ पर गिन लिए, बरोबर देख रहे हैं आप। आए चौथे क्रम के अंदर यहाँ पर आपने पाप तत्व का, हे भगवान अब मैं पाप करते रुकूं, पाप करते हुए अटकूं, मुझे झूठ बोलने के पहले विचार आए, मैं किसी जीव की हिंसा ना करो, मैं किसी की चोरी ना करो, बस इस तरह से पाप तत्व का चिंतन करते हुए चलिए। इधर से आप प्रवेश करिए पांचवे आश्रव तत्व में। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ आपने इस आश्रव के अंदर भी अब ये 12 नौकर आपने यहाँ पर इस तरह से गिन लिए, बड़ी अच्छी तरह से शांति से स्वस्थता के साथ, शरीर हिलाना नहीं है कुछ नहीं, दृष्टि यहाँ घूम रही है। अब दृष्टि बरोबर यहाँ पर घूमती चली आ रही है, आपका मन बरोबर पीछे चल रहा है और जीभ होठ तो हिलाना नहीं है, शांति से नवकार गिनते हुए और अंदर में तत्व का स्मरण आपका चलता रहेगा। ये करते करते यहां से आपने अब इसमें से यहाँ पर आपने संवर में प्रवेश किया। अब आपने संवर का चिंतन किया, कैसे आत्मा में आने वाले चारों तरफ से मैं कॉर्डन करके बैठूं, सब आने वाले पाप कर्म रुकते जाए, ये आपने यहाँ पर किया। फिर यहां से आइए, अब मैं निद्रा में आ रहा हूं, निद्रा में प्रवेश करना है मुझे, तो मैं कैसे कर्म क्षय कर पाऊं। आपने बरोबर कर्म क्षय का चिंतन करते हुए, मैं निद्रा कर रहा हूं, ये आपके भावों में बनते बनते आप 12 नौकार इसमें भी गिन रहे हैं। आप फिर यहां से चले, यहां से अब आप आए, मुझे फिर कहीं नया बंध ना हो जाए, नए कर्म का बंध न हो जाए, इससे मुझे बचना है। अब यहां पर ये आपने 12 नौकार निद्रा में गिन लिए, अब सीधे जैसे ने बंध में गिन लिए, नया कर्म बंध न, इसका चिंतन आपने किया। अब यहां से आप आए इसमें मोक्ष तत्व के अंदर आए, बस हे परमात्मा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतो, हे सिद्ध भगवंतो मुझे भी मुक्ति का मार्ग दिखाओ, मैं भी सिद्धि प्राप्त कर सकूं। तो आप यहाँ पर प्रवेश करके अब आप आए, आपने यहाँ पर भी 12 नौकार गिन लिया था, तो ये पद्धति हो गई। अब बरोबर ख्याल में आया, जीव के अंदर आपने पहले 9 तत्व का स्मरण करते हुए 12 नौकार, अजीव का स्मरण करते हुए 12 नौकार, पुण्य का स्मरण करते हुए 12 नौकार, चौथे क्रम पर पाप का स्मरण करते हुए 12 नौकार, पांचवे क्रम पर आपने आश्रव का स्मरण करते हुए 12 नौकार गिने।
या छठे कर्म में आपने वापिस जो है संवर तत्व का स्मरण करते हुए बारह नवकार गिने, या सातवें के अंदर निद्रा के भाव का चिंतन करते हुए सब पाप प्रणाशनो, मेरे सब पाप कर्मों का नाश हो, ये आपने चिंतन करते करते इसमें भी बारह नवकार गिने निद्रा के। अब बंध तत्व के अंदर भी मने मुझे फिर से वापिस ऐसे कर्मों का बंध न हो, मैं ये बार बार ऐसे कर्मों का बंध करता रहूं, कितने जन्म कितने भव बढ़ा कितने भव बढ़े मैं उसमें से भी बाहर निकल जाऊं, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति करूं, मेरी आत्मा इस संसार में से छूट करके मोक्ष में चली जाए, अब मैं मोक्ष में जाकर के इस कर्म को प्राप्त करूं। आपने यहाँ पर भी ये बरोबर गिन लिया था, ये आपको लक्ष्य देंगे तो बरोबर होगा समझे कि नहीं। अब ये नौ तत्व अब आपको नौ तत्व के साथ में 108 नवकार गिनने। अब सीधा ये आप भी समझदार है समझ गए, ये 12 गुणे 9, अब 9 तत्व है ये और आपने उनका 12 से गुणाकार कर दिया, अब एक में आपने गिना है और चलते चलते ये आपके 108 नवकार हो गए सब। ये है इस तरह से करना है, ये हमने एक चित्र बनाया है। अब ये चित्र जिस तरह से आपको सामने दिखाई दे रहा है ये आपको रिकॉर्डिंग के साथ में ग्रुप में सबको भेजा जा रहा है, क्या होगा कि आप जिस तरह से ग्रुप में आपको सबको मिल जाए तो आप अपनी तरह से इसके प्रिंट आउट निकाल लो, और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आप इसको बना लो, एक ड्रॉइंग करके बनाओ, और ये 12 12 12 जो इसमें अंक संख्या लिखी है, मैंने यहाँ पर अंक संख्या न लिख करके सीधे बनाए, आप हीरे मोती लगा दो उसको चमकते हुए बिल्कुल एकदम ऐसे हीरे मोती लगा करके आप रखेंगे और सिर्फ आपको दृष्टि इसके ऊपर घूमती जाएगी, 12 नवकार इधर होंगे, 12 ही नवकार आपके इसमें होंगे, 12 ही नवकार इसमें होंगे, 108 वैसे भी हो रहे हैं आपको, और आत्मा जो है अपने भावों से बस चलते 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 आप उस भाव को बढ़ाइए आप मोक्ष तक पहुंच सके। तो ये मैंने देखो बनाया है इधर, अब ये जो जिस प्रकार से बना हुआ चित्र है आप इसके प्रिंट आउट निकालो, फिर आप अपने आप घर में अपने ड्राइंग किसी की अच्छी हो तो आप बना सकते हो अच्छी तरह से ड्राइंग, आपको फिगर लिखना है तो लिखिए, आप फिगर नहीं लिखना चाहते हैं तो सीधे वहां पर हीरे मोती का डॉट्स दे दो, आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा, सबके अंदर 12 12 हो जाएंगे आपके 108 नवकार शांति से। आप जैसे ही आपके मोक्ष के अंदर यहाँ के 108 हो जाए आप बैठ जाइए बिल्कुल एक 2-4 मिनट के लिए शांति से स्थिर बैठिए, जस्ट फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अब आप अपने अंदर आत्मा में निरीक्षण करिए, आया क्या कोई विचार, फालतू विचार आए बीच में, कोई इधर उधर के राग द्वेष क्लेश कसाय का कोई फालतू विचार आया नहीं, बस साधना आपकी बहुत अच्छी हो गई। अगर विचार आ जाते हैं तो आप रुक जाएंगे, मैं यहाँ था कि यहाँ था, मैं यहाँ था कि यहाँ पर था, आप रुक गए पता ही नहीं चला आपको, तो फिर से करिए वापिस, अब फिर से वापिस करेंगे, अब स्थिरता बनाइए और बरोबर इसमें 9 तत्वों का चिंतन मनन अंदर चलता रहेगा, आपके नवकार बरोबर शांति से चलेंगे। अब नवकार में तो भूल पड़ेगी नहीं, ये तो जन्म जात है, हमको माँ ने माँ बाप ने जो सिखाया जन्म से सिखाया तो उसमें तो कोई मिस्टेक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगी, आप भूलेंगे भी नहीं, आप बरोबर नवकार गिनते जाइए, सिर्फ मन आपको यहाँ लगा के रखना है, बस ये चिंतन आपकी धारा में रहना चाहिए, आप नव तत्व के विषय के ऊपर से इधर उधर बाहर ना जाए, और जीभ हिलाएंगे नहीं होठ हिलाएंगे नहीं तो मन बरोबर पकड़ में रखेगा, अब ये धारा आपकी बनी रहेगी, अब चाहे आपको आधा घंटा लगे या कम ज्यादा समय लगे, मेहरबानी करके समय देखेंगे नहीं, घड़ी सामने रखेंगे नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है, दृष्टि इसी पर स्थिर रहेगी। अब हो सकता है कुछ दिनों के बाद दृष्टि स्थिर होने पर
आप आंखें बंद करके भी कर सकोगे, कोई चिंता ही नहीं, तो और ज्यादा उपयोग बनेगा, और ज्यादा उपयोग उसमें लगेगा तो मन और स्थिर हो जाएगा, फिर आपको आनंद होगा, आहा आहा मुझे कोई विचार नहीं आया, मैं पूरी जिंदगी माला गिनते विचार करता रहा, सब कुछ विचार आते रहे फिर भी मैं जाप करता रहा, 10 मिनट क्या 2 मिनट हम नहीं रह पाते, मंदिर में भगवान के सामने विचार आते, कहीं पर भी जाते कुछ भी विचार आ जाते, न करने जैसे उठ पटांग कैसे भी विचार आते रहते हैं। तो ये है कि आपको आधा घंटा लगे, आपको पौना घंटा लगे, 2 बार करिए आप, 108 108 2 बार रिपीट कर लो, आपकी एक सामायिक पूरी तरह से शांति से सामायिक हो जाए, आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा कि मैंने लाइफ में ऐसी सामायिक नहीं की, सर्वथा बिना विचारों, अन्य विचार नहीं आए और एकाग्रता पूर्वक मन इसमें लगा रहा, बरोबर शांति से लगा रहा और कोई प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपका फायदा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा बढ़ा, आपकी स्थिरता अच्छी बढ़ी, मन वचन काया के तीनों योग स्थिर रहे, जब नया दूसरा विचार नहीं आया तो नया कर्म बंध भी नहीं हुआ, कोई नया पाप नहीं हुआ, कोई नया कर्म बंध नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप बच गए बहुत अच्छी तरह से। ये फायदा आपको करना है, ये आपको मैंने समझाया। अब यहाँ तो इस तरह से आप हीरे मोती लगाओ या इस तरह से क्रम संख्या लगाओ, आपको जो भी जिस तरह से इच्छा हो आप अपनी तरफ से प्रयत्न करके देखिए, अब जैसे भी योग्य लगे आप करिए, और ये चित्र आपको सबको भेजा जाएगा, ग्रुप के अंदर आएगा, आप ग्रुप में आते ही आप इसके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको भेज रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डिंग बार बार खोल के, एक बार नहीं 10 बार आप पहले सुन लो, बात समझ लो, समझ लेंगे तो 2 दिन में तो आपको जो है 9 तत्वों के नाम तो 2 मिनट में याद हो जाएंगे, और नाम 2-10 मिनट में आ गए, अब उसका चिंतन मनन आपको याद आ जाए, क्या है ये आश्रव, क्या है ये संवर, क्या है ये बंध, क्या है ये, आपकी समझ में बैठ जाएगा अच्छी तरह से। फिर थोड़ा सा साहित्य पढ़ोगे, पुस्तक पढ़ोगे, नव तत्व के बारे में समझोगे तो और ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये मेरा सिखाने का मुख्य उद्देश्य है, आप लोग जिस तरह से कर रहे हैं बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको सबको, बहुत धर्म लाभ आप करिए, खुशी से करिए, और इससे लाभ आपको है, आपको फायदा है, आपकी निद्रा हो, कर्मक्षय हो और विचार रुके और आपकी साधना सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए, ये लाभ तो आपको है। ठीक है, जिनको भी नहीं समझ में आया है तो जरूर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आप दोबारा पूछ सकते हैं, आपको ख्याल आएगा, और अपना अनुभव लिखिए। देखिए जब जिस दिन गुरुवार को प्रयोग सिखाते हैं, एक दिन शुक्रवार खुला रखते हैं, आपको प्रश्न पूछना है तो पूछिए, और एक सप्ताह भर में जो प्रयोग आपने 2 बार 4 बार 6 बार किया है आप उसका एक अपना अनुभव लिखिए, व्हाट इज योर ओन एक्सपीरियंस, आपको जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो लिखिए, और इफ देर आर एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज, अगर आपको कुछ आ रही तो जरूर पूछिए, मैं 2 बार नहीं 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ। ये मैंने आपको समझाया है, एक एक प्रयोग अलग 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 करते हम जा रहे हैं, अलग अलग प्रयोग में सिखा रहा हूँ आपको, बड़ी कोशिश से करिए, अपने मित्र वर्ग में अपने सगे संबंधियों को सबको भेजिए, जो भी आपके निमित्त करने लगे तो आप निमित्त बनिए उनके लिए, बहुत अच्छा प्रयोग है, बहुत बहुत धर्म लाभ आपको, बहुत आशीर्वाद, खूब शांति से साधना अच्छी तरह से करिए, धर्म लाभ। हाँ साहब, मैं नवकार